नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद ही खास प्रोग्राम और आपका पसंदीदा प्रोग्राम। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, ये हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है। जी हाँ, एक हमारे दर्शक हैं सुनीता जी, उन्होंने पूछा कि उनकी उम्र जो है 30 इयर्स की है, अभी उन्होंने बेबी डिलीवर किया है, 2 महीना ही हुआ है और वो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीड कराती है बच्चे को, क्या वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोली ले सकती है? तो चलिए आज इसी के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोली, वो जिससे आपको अनचाहा गर्भधारण नहीं करनी, मतलब अगर आप नहीं चाहते गर्भधारण करना तो आप वो पिल खा सकते हैं इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर, यानी 3 दिन के अंदर वो गोली खाने से आपको चांसेस कम हो जाते हैं गर्भधारण करने। अब अगर आप या तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आपने रिसेंट ही बच्चे को जन्म दिया है, एक होता है कि 6 महीना हो गया है और एक होता है 6 महीना बाद। देखिए, अब बहुत इसमें ना एक ना थोड़े से इश्यूज हैं, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। अगर आप अभी आपने रिसेंट बच्चे को जन्म दिया है, 6 महीने से बच्चा आपका छोटा है और आप चाह रही हैं कि आपने इंटरकोर्स किया और आप चाह रही हैं कि आप अभी गर्भ नहीं धारण करना चाह रही हैं, आप चाह रही हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लें। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर सुरक्षित रूप से आप इंटरकोर्स कीजिए, इंटीमेटिवली सुरक्षित रूप से कॉन्डम को यूज करिए, क्योंकि काफी हद तक ये देखा गया है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करना, वंस इन अ वाइल समझ आता है कि एक बार दो बार आपने यूज कर ली, लेकिन इसको एक रूटीन में बनाना ये आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए आपको ऐसी कोई भी चीजें नहीं करनी है कि आप उसे अपनी रेगुलर, उसको एक तरह से डाइट का हिस्सा बना लें, नहीं, ये नहीं करना है आपके लिए, ये आगे परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए एक या दो बार ठीक है, लेकिन उसको बार बार आपको नहीं खाना है, आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी स्टडीज की गई हैं और देखा गया है कि अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो दूध में कमी आ जाती है अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रेगुलर बेस पे ले रही हैं। तो यानी कि जब भी आपने इंटरकोर्स किया और आपको ऐसा लगा कि हो सकता है तो आपने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिया, तो ये बहुत गलत होता है। इससे बच्चे का भी पेट नहीं भरेगा और आपका जो ब्रेस्ट है वो दूध बनाना कम कर देगा, तो आपको ये नहीं करना है। और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो वो बच्चा थोड़े सेमी सॉलिड मील पे आ जाता है, तो आप इसको एक या दो बार ले ले तो ठीक है, क्योंकि बच्चा इतने दूध पे नहीं रहता, उस टाइम दूध की कमी भी हो जाए तो ठीक है। आगे अगर आप गर्भ धारण करना चाहेंगी बिना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसे रेगुलर वे में लेती हैं। तो इसीलिए अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को आप ले रही हैं ड्यूरिंग लैक्टेटिंग, मतलब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं और ले रही हैं, तो एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, लेकिन इसको बार बार ना आदत बनाएं, क्योंकि दूध में कमी जब होने लग जाएगी तो बच्चा भूखा रह जाएगा अगर 6 महीने से छोटा है। इसके सिवा आप सेफ साइड पर आप कॉपर टी, आजकल तो इतने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं, अगर आप रीसेंट मदर बनी हैं तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट भी की होगी कॉपर टी, तो एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। और हाँ, एक बार ध्यान रहे, जब भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी हो, गर्भ निरोधक गोली लेनी हो, तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर पूछें। मेरा तो यही सजेशन है, कभी नहीं लेना है, मैंने आज तक, टचवुड, मैंने आज तक कभी नहीं ली और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसे लेने के लिए। आप गवर्नमेंट प्लान, और ये तो आजकल फ्री भी, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो फ्री लगती है, आप जाके एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर उनसे सलाह लें, वो आपको सही सलाह जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।